हमीरपुर जिले में आज केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ाने के लिए मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 2400 लाभार्थियों को 45 करोड़ का जिले के विभिन्न बैंकों के द्वारा शाखाओं द्वारा ऋण वितरण किया गया। यह ऋण वितरण पीएमईजीपी, आत्मनिर्भर भारत और मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं पे किया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक युवराज सिंह, जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, सीडीओ के वैश्य और बैंक अधिकारी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय के हरी गेस्ट हाउस में आज अग्रणी जिला प्रकोष्ठ इंडियन बैंक द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बेरोजगारों, छोटे दुकानदारों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 45 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। यह ऋण वितरण उनको स्वयं के रोजगारों को बढ़ाने के लिए बांटा गया। इस योजना के लिए यूपी सरकार ने जिले को 100 करोड़ रुपए ऋण वितरण का टारगेट दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से कोरोना काल में अपने बिजनेस में घाटा खा चुके लोगों और अपने नए पुराने उद्योग और धंधों को बढ़ाने की खासी मदद मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे जनपद को 100 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। मेगा कैंप और जितनी भी रोजगार की योजनाएं हैं, ODOP, PMEGP और ये स्वनिधि योजना, सारे योजनाओं में हम लोगों ने ऋण बांटा है और हमने आज की तिथि में 2430 लाभार्थियों को 4431 लाख यानी 44 करोड़ 31 लाख का ऋण वितरण इस कैंप में किया। और इसमें सर्वाधिक भूमिका हमारे आर्यावर्त बैंक की रही है और इंडियन बैंक जो हमारा लीड बैंक है उसका भी रहा है, लेकिन सारे बैंकों ने हमेशा